Hello friends, welcome to LearningSTAN, Learn to Know and Know to Learn. आज का यह लेक्चर क्विक रिवीजन सीरीज का पार्ट 1 है. यह एक 50 क्वेश्चंस का सेट होगा. इसमें आपको सभी टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि RRB-JE CBT2 के सिलेबस में मेंशन है. तो यह आपके रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होगा. इस लेक्चर में मैं किसी भी क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा. क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर को मार्क करूंगा. आपके लिए एडवाइस ये है कि आप क्वेश्चंस को रीड करिए. रीड करने के बाद वीडियो को पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर मैं जो आंसर बताऊंगा उससे आप अपने आंसर को मैच कराइए. ओके, लेकिन यदि आपको किसी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो आप हमारे पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं, वहां आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. ओके, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम किस में मेजर करेंगे. तो यहां देखिए, कंडक्टिविटी को हम ये लिख सकते हैं 1/ohm meter, या फिर यदि ये ऑप्शंस में नहीं है तो हम लिखेंगे सीमेंस पर मीटर. ओके, तो यहां से देखो कि कौन सा ऑप्शन सही है. ऑप्शन सी इज करेक्ट, सीमेंस पर मीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पीयर ड्रॉन फ्रॉम 8 वोल्ट बैटरी व्हेन अ वायर ऑफ 24 ओम रेसिस्टेंस इज स्ट्रेस डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड देन कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड दीज इक्वल पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द बैटरी. तो यहां से आप वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करिए. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको करंट की वैल्यू आ जाएगी 1/3, यानी कि 0.33 एम्पीयर. तो यहां से आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप वीडियो को पॉज करिए और फिर क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके यहां से आप आंसर को मैच करा लीजिए. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि व्हाट विल बी द नॉर्टन रेसिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी फॉर द गिवन सर्क्यूट बिलो. यहां पर टर्मिनल ए और टर्मिनल बी गिवन है. तो इस क्वेश्चन में ये कहा है इस सर्क्यूट में टर्मिनल ए एंड बी के अक्रॉस आप नॉर्टन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करिए आर एन, या फिर आप इसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं. जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.7586 ओम. ओके, यहां से आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि सीरीज आरएलसी सर्क्यूट रेजोनेट्स एट 1 MHz फ्रीक्वेंसी, और फिर कहता है कि इस सर्क्यूट को ऑपरेट करा रहे हैं 1.1 MHz फ्रीक्वेंसी पे. तो आप सर्क्यूट का इंपेडेंस बताइए कि किस नेचर का होगा. यहां से गिवन है एफ नॉट, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 1 MHz और जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ है दैट इज 1.1 MHz. यहां से आप देख रहे हो कि एफ इज ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इन केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्क्यूट यदि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो तो इसका जो इम्पेडेंस होगा वो इंडक्टिव इन नेचर होता है. ओके, सो फाइनली ऑप्शन डी को मार्क करेंगे. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन मिली फैराड कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अ इंडक्टेंस ऑफ 3 H व्हेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 4 rads per second. यानी कि इस क्वेश्चन में इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है 3 H, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी
गिवन है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड, और यहाँ से आपको पता है कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/√LC। यहाँ पे ओमेगा नॉट और एल की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो यहाँ से कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी सी इज इक्वल टू 20.83 mF। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द इंडक्टर टू रीच इट्स मैक्सिमम स्टेडी स्टेट वैल्यू इन सीरीज RL सर्क्यूट व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज 0.8 H एंड रेसिस्टेंस इज 10 Ω। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहा है कि सीरीज RL सर्किट है जिसमें कि रेसिस्टेंस गिवन है 10 Ω और इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.8 H। यहाँ से आप इसका टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करिएगा। दिस विल बी इक्वल टू L डिवाइडेड बाय R, यानी कि 0.08 सेकेंड। ये हो जाएगा टाइम कांस्टेंट। और क्वेश्चन में पूछा है कि इंडक्टर अपने मैक्सिमम स्टेडी स्टेट वैल्यू पे कितने टाइम बाद पहुंचेगा। तो इसके लिए आप यूज करोगे 5 टाइम कांस्टेंट, यानी कि 5 मल्टीप्लीकेशन विद टाइम कांस्टेंट 0.08। यहां से आपको आएगा 0.4 सेकेंड, यानी कि 0.4 सेकेंड में इंडक्टर अपने मैक्सिमम स्टेडी स्टेट वैल्यू पे पहुंच जाएगा। यहाँ पर आप एक पॉइंट को नोट करिए कि जो हम यहाँ पर हमने 5 टाइम कांस्टेंट इसलिए यूज किया है क्योंकि 5 टाइम कांस्टेंट के बाद इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट अपने स्टेडी स्टेट वैल्यू का 99.33% हो जाता है। लेकिन यदि आप 4 टाइम कांस्टेंट यूज करोगे तो इन केस ऑफ 4 टाइम कांस्टेंट इंडक्टर का जो करंट होगा वो सिर्फ 98.17% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेन कर पाएगा। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि 5 टाइम कांस्टेंट में इंडक्टर का करंट स्टेडी स्टेट वैल्यू के बिल्कुल करीब होता है, यानी कि 99.33%, जबकि 4 टाइम कांस्टेंट में सिर्फ 98% ही होता है। तो इसलिए हम 5 टाइम कांस्टेंट यूज करेंगे, 4 टाइम कांस्टेंट यूज नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जो हमें आंसर आया दैट इज 0.4 सेकेंड, इससे हम ऑप्शन सी को मार्क करेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है कि व्हाट इज द टोटल इम्पेडेंस ऑफ द सीरीज RLC सर्किट कंसिस्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ 8 Ω, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ 2 Ω और इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 8 Ω। यहाँ से आपको टोटल इम्पेडेंस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विच विल बी इक्वल टू √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। यहाँ पे XL - XC भी लिख सकते हैं और या फिर XC - XL भी लिख सकते हैं। जब आप इसमें R, XL और XC की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 8² + 8 - 2 का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 10 Ω। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है कि व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज हैविंग पीक वैल्यू ऑफ 1000 वोल्ट। यहाँ पर आपको पीक वैल्यू गिवन है 1000 वोल्ट और आपको RMS वैल्यू पूछा है, तो RMS इज इक्वल टू पीक डिवाइडेड बाय √2। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 707 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये पावर सिस्टम का क्वेश्चन है। ये कहता है कि द मेकिंग करंट ऑफ 3-phase सर्क्यूट ब्रेकर विथ रेटिंग 2000 MVA 33 kV विल बी वॉट। यहाँ पर सर्क्यूट ब्रेकर की रेटिंग गिवन है जिसमें कि MVA रेटिंग है 2000 MVA और वोल्टेज रेटिंग है 33 kV। मेकिंग करंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप सर्क्यूट ब्रेकर का ब्रेकिंग करंट फाइंड आउट करिए। IB इज इक्वल टू S3 phase डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज। यहाँ से आप लिखेंगे
2000 multiplication with 10 to the power 6 divided by root 3 into 33 into 10 to the power 3. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 35 किलो एम्पीयर. ये जो 35 किलो एम्पीयर है ये है सर्क्यूट ब्रेकर का ब्रेकिंग करंट, लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा है मेकिंग करंट. तो मेकिंग करंट आई मेक विल बी इक्वल टू 2.55 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग करंट. ओके, यानी कि आप 35 किलो एम्पीयर को 2.55 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा 89.23 किलो एम्पीयर. ओके, यहां से आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि लीकेज रेसिस्टेंस ऑफ अ 50 किलोमीटर लॉन्ग केबल इज 1 मेगा ओम, और ये पूछा है कि 100 किलोमीटर लॉन्ग केबल के लिए लीकेज रेसिस्टेंस कितना होगा. एज वी नो केबल के केस में लीकेज रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द केबल, यानी यदि हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज होगा. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 0.5 मेगा ओम, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि डायलेक्ट्रिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, और जो भी हमारे पास ऑप्शंस गिवन है वो सब फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है. तो डायलेक्ट्रिक लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. यदि ये सारे ऑप्शंस सप्लाई वोल्टेज से रिलेटेड होते तो हम लिखते कि डायलेक्ट्रिक लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज स्क्वायर. ओके, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी को मार्क करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि द सैग ऑफ द कंडक्टर्स ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज 2.5 मीटर व्हेन द स्पैन इज 250 मीटर. नाउ इफ द हाइट ऑफ द सपोर्टिंग टावर इज इंक्रीज बाय 25% द सैग विल बी व्हाट. यानी कि क्वेश्चन में ये कहा है कि यदि हम सपोर्टिंग टावर के हाइट को 25% से इंक्रीज कर दें तो कंडक्टर के सैग पे कोई फर्क पड़ेगा क्या. तो इसका आंसर होगा नो, द सैग विल नॉट चेंज, क्योंकि सैग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हाइट ऑफ द सपोर्टिंग टावर. तो हम ऑप्शन डी को मार्क करेंगे क्योंकि सैग विल रिमेन अनचेंज्ड. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि मो रिले इज नॉर्मली यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. यानी कि मो रिले को हम इनमें से किस टाइप के ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. तो इसका आंसर होगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. यहां पर देखिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए आप यूज करते हो मो रिले, इसका एक और नाम है एडमिटेंस रिले, या फिर आप इसे वाई रिले भी कह सकते हैं. मीडियम लेंथ के ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इम्पीडेंस रिले या फिर जेड रिले यूज करेंगे, और जब लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट हो तो इसके लिए आप रिएक्टेंस रिले यानी कि एक्स रिले यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि इन पावर सिस्टम डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज व्हाट. तो डिमांड फैक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं. डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 15 ये पावर प्लांट से रिलेटेड है. इसमें कहता है कि लो हेड प्लांट्स जनरली यूज विच टाइप ऑफ टर्बाइन. तो इसका आंसर होगा कैपलन टर्बाइन. लो हेड के केस में आप कैपलन टर्बाइन यूज करते हैं. लो हेड कहने का मतलब है कि जब हेड की हाइट लेस देन 30 मीटर हो तो उसे हम लो हेड कहते हैं, और ऐसे प्लांट्स में कैपलन टर्बाइन यूज किया जाता है. लेकिन यदि हेड की हाइट 30 मीटर और 200 मीटर के बीच हो तो आप ऑप्शन बी को मार्क करेंगे, ये कहलाता है मीडियम हेड प्लांट्स. लेकिन यदि हेड की हाइट मोर देन 200 मीटर हो तो
तो आप ऑप्शन ए को मार्क करेंगे, यानी कि हाई हेड के लिए आप पेल्टन टर्बाइन यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ये कहता है कि द टैरिफ मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल कस्टमर्स इज व्हाट, यानी कि इनमें से कौन सा टैरिफ लार्ज इंडस्ट्रियल कस्टमर के लिए मोस्ट सुटेबल होता है। तो आप कहेंगे टू पार्ट टैरिफ, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, ये कहता है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल शेड्यूल, और यहां पर तीन स्टेटमेंट गिवेन है। स्टेटमेंट ए कहता है कि लिस्ट और अ प्लान ऑफ अ बिल्डिंग प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच रूम, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट बी को देखिए, ये कहता है लिस्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर रूम, सो स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग। स्टेटमेंट सी कहता है कि लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स अलॉन्ग विद देयर प्राइसेस, स्टेटमेंट सी भी रॉन्ग है। यानी कि इलेक्ट्रिकल शेड्यूल के लिए यहां पर सिर्फ स्टेटमेंट ए सही है, तो आप ऑप्शन ए को मार्क करेंगे, ओनली ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि इन द सर्क्यूट फॉरवर्ड रेसिस्टेंस ऑफ द डायोड डी इज 2 ओम, यानी कि यहाँ जो डायोड गिवन है, यदि ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो आप इसे एक रेसिस्टेंस से रिप्लेस करिएगा जिसकी वैल्यू होगी RF इज इक्वल टू 2 ओम। अगेन ये कहता है कि इट्स रिवर्स रेसिस्टेंस इज इनफाइनेटली हाई, और जब ये डायोड रिवर्स बायस में होगा तो इसका जो रेसिस्टेंस है दैट इज इनफाइनेटली हाई, इसकी वजह से आप इसे ओपन सर्क्यूट करेंगे इन केस ऑफ रिवर्स बायस्ड ऑफ दिस डायोड। नाउ सर्क्यूट को देखिए, यहां पर एक मीटर लगा हुआ है और 100 वोल्ट एसी से सप्लाई गिवन है। 100 वोल्ट एसी सप्लाई का मतलब होता है दिस इज RMS वैल्यू, तो यहां से आप इसका पीक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पीक वोल्टेज विल बी इक्वल टू 100√2। ओके, यहां से आप इस सर्क्यूट को देखिए, यह एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्क्यूट है। यदि हम इसमें फ्लो होने वाले करंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। दिस इज 0, दिस वन इज पाई, 0 to π पॉजिटिव वेव फॉर्म एंड π to 2π करंट की वैल्यू विल बी 0, क्योंकि इन दिस टाइम पीरियड डायोड डी होगा रिवर्स बायस्ड, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, यहां से आप इसका पीक वैल्यू फाइंड आउट करिए। IM पीक वैल्यू इज इक्वल टू पीक वोल्टेज, यानी कि 100√2 डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस ऑफ दिस पाथ। जब इस पाथ में टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करिएगा ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस ऑफ द डायोड, तो टोटल रेसिस्टेंस होगा RF प्लस 8 ओम, यानी कि 2 + 8। यहां से आप रेसिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे 10 ओम। जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू मिलेगी 10√2 एम्पीयर। नाउ क्वेश्चंस को रीड करिए। क्वेश्चन में ये कहता है कि यदि यह मीटर PMMC टाइप मीटर हो तो इसकी रीडिंग क्या होगी, और यदि यह मीटर हॉट वायर टाइप का मीटर हो तो इसकी रीडिंग क्या होगी। तो यहाँ से देखिए, जैसा कि हमें पता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप के मीटर एवरेज वैल्यू को रीड करते हैं, और जो हॉट वायर टाइप का मीटर होगा वो RMS वैल्यू शो करेगा। ओके, यानी कि एक बार हमें एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना और एक बार RMS वैल्यू कैलकुलेट करना है, वो किसका, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो हमारे पास आउटपुट करंट का वेवफॉर्म है वो ये है, तो इसका हम एक बार एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल टू IM/π। ओके, यहाँ पे IM गिवन है 10√2 डिवाइडेड बाय पाई। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आएगा 4.5 एम्पीयर, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ दिस करंट वेवफॉर्म इज 4.5 एम्पीयर। इट मीन्स आप लिस्ट 1 के ऑप्शन 1 के साथ लिस्ट 2 का ऑप्शन बी को मैच कराएंगे।
नेक्स्ट आपको आरएमएस वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि हॉट वायर मीटर के केस में वो आरएमएस वैल्यू देता है. तो आरएमएस ऑफ दिस करंट वेवफॉर्म विल बी इक्वल टू आईएम बाय 2, यानी कि 10√2/2. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 7.07 एम्पियर. तो आप लिस्ट 1 के हॉट वायर को, यानी कि सेकेंड नंबर को, आप मैच कराएंगे लिस्ट 2 के 7.07 एम्पियर से, यानी कि ए के साथ. तो ये है आपका आंसर. अब आप ऑप्शंस को देखिए. यहाँ पर चार ऑप्शंस गिवन है, जिसमें कि आप ऑप्शन डी को देखिए. ऑप्शन डी में कहता है 1 को मैच करेंगे बी के साथ और 2 को मैच करेंगे ए के साथ. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि फेर्मी एनर्जी लेवल फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर लाइज वेयर. यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो फेर्मी एनर्जी लेवल होगा वो कहाँ लाई करता है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि क्लोज टू वैलेंस बैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है कि द एवरेज वोल्टेज एट द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज व्हाट. यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर गिवन है, इसके आउटपुट का जो एवरेज वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 2Vm/π, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. लेकिन यहाँ पर यदि हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो उस केस में हम ऑप्शन बी को मार करते, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट का एवरेज वैल्यू Vm/π होगा. ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 21 ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है. इसमें पूछा है कि इफ अ डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर इज कनेक्टेड इन एन एसी सर्क्यूट द पावर इंडिकेटेड बाय द वॉट मीटर विल बी वॉट. यानी कि डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर किस तरह का पावर मेजर करता है. तो इसका आंसर होगा एवरेज पावर, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट. और ये एवरेज पावर होती कितनी है, यदि हम 3-phase सिस्टम की बात करें तो एवरेज पावर विल बी इक्वल टू √3 ऑफ VL, IL एंड cos phi. यहाँ पर VL लाइन वोल्टेज का RMS होगा और IL लाइन करंट का RMS वैल्यू होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 22 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए आप इनमें से किस तरह के ब्रिज का यूज करेंगे. तो आंसर होगा वेन ब्रिज. वेन ब्रिज की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं. यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है एंडरसन ब्रिज, इसकी हेल्प से हम इंडक्टेंस मेजर करते हैं. डी सॉर्टी ब्रिज की हेल्प से हम कैपेसिटेंस मेजर करते हैं और ओवेंस ब्रिज की हेल्प से हम इंडक्टेंस मेजर करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. ये कहता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अननोन इंडक्टेंस एलएक्स एंड इफेक्टिव रेसिस्टेंस आरएक्स रेस्पेक्टिवली फॉर द सर्क्यूट गिवेन बिलो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर. यानी कि यहाँ जो ब्रिज गिवेन है इसके गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है. इट मीन्स IG विल बी इक्वल टू 0. और जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो यह एक केस है बैलेंस ब्रिज का. ओके, यहाँ इस क्वेश्चन में इसने LX और RX की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है. तो सबसे पहले हम आर्म में नंबरिंग करते हैं. ये होगा आर्म 1, इसे हम मानते हैं आर्म नंबर 2, इसे हम मानते हैं आर्म नंबर 3 और ये होगा आर्म नंबर 4. तो इन केस ऑफ बैलेंस ब्रिज हम लिखेंगे Z1 मल्टीप्लीकेशन विथ Z4 विल बी इक्वल टू Z2 मल्टीप्लीकेशन विथ Z3. यानी कि आर्म 1 का जो इम्पिडेंस होगा Z1, इसे हम आर्म 4 के इक्विवेलेंट इम्पिडेंस Z4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम इक्वेट करेंगे विथ Z2 मल्टीप्लीकेशन विथ Z3. जब इसे आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो यहाँ से इंडक्टेंस की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू R2 R3
इंटू सी फोर, और जो रेसिस्टेंस आर एक्स की वैल्यू आने वाली है दैट विल बी इक्वल टू आर टू मल्टीप्लीकेशन विथ आर थ्री डिवाइडेड बाई आर फोर। यहाँ पे आप आर टू आर थ्री एंड सी फोर की वैल्यू पुट करिए तो एल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। दिस विल बी इक्वल टू आर टू इट मीन्स 40 ओम मल्टीप्लाई विथ आर थ्री इट मीन्स 20 ओम मल्टीप्लाई विथ सी फोर यानी कि 40 माइक्रो फेराड, तो 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 32 मल्टीप्लीकेशन विथ 10 टू द पावर माइनस 3 यानी कि आप यहां से 32 मिली हेनरी लिख सकते हैं। ओके, नाउ जब आप रेजिस्टेंस आर एक्स को कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू आर टू यानी कि 40 ओम मल्टीप्लाई विथ आर थ्री यानी कि 20 ओम डिवाइडेड बाय आर फोर यानी कि 30 ओम। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है 26.667 ओम। तो यहां से आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन ए में कहता है कि एल एक्स की वैल्यू है 32 मिली हेनरी और आर एक्स की वैल्यू होगी 26.67 ओम, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, लेकिन यदि क्वेश्चन में ये पूछता ये सर्किट देके कि बताइए ये किस टाइप का ब्रिज है, तो आप कहते कि दिस इज मैक्सवेल ब्रिज, या फिर आप इसे मैक्सवेल एलसी ब्रिज भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है कि अ करंट ऑफ आई इज इक्वल टू 6+10 साइन 100 पाई टी प्लस 20 साइन 200 पाई टी इज फ्लोइंग थ्रू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ पीएमएमसी एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, देन रेशियो ऑफ द टू करंट्स एज रजिस्टर्ड बाय मूविंग आयरन एंड पीएमएमसी मीटर इज व्हाट। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहता है कि करंट आई परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट से और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से पास करता है, तो दोनों इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग होगी उसका रेशियो क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहां से आप देखिए कि पीएमएमसी मीटर मेजर करेगा एवरेज वैल्यू ऑफ दिस करंट, यानी कि इसकी जो रीडिंग होगी दैट विल बी इक्वल टू आई एवरेज इक्वल टू 6 एम्पीयर। ओके, लेकिन जब यह करंट आई मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से पास होगा तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है आरएमएस वैल्यू, इसकी वजह से जो मूविंग आयरन की रीडिंग होगी दैट विल बी इक्वल टू आई आर एम एस, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे रूट अंडर ऑफ 6² + 10/√2² + 20/√2². जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 16.912 एम्पीयर। यानी कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग होगी दैट विल बी इक्वल टू 16.912 एम्पीयर, और पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग होगी दैट विल बी इक्वल टू 6 एम्पीयर। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप रेशियो फाइंड आउट करिए, किसका, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग का और पीएमएमसी की रीडिंग का, तो रेशियो विल बी इक्वल टू 16.912 डिवाइडेड बाय 6। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आएगा 2.818, यानी कि यहां से आप ये कहेंगे कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है कि विच सिंगल फेज मोटर वुड यू सेलेक्ट फॉर अ टेप रिकॉर्डर, और हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों मोटर्स में से आप कौन सा मोटर यूज करोगे टेप रिकॉर्डर में, तो इसका आंसर होगा हिस्टेरेसिस मोटर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 ये कहता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग आर्गन इन आर्गन आर्क वेल्डिंग, आर्गन आर्क वेल्डिंग में आर्गन यूज करने का क्या पर्पस है, तो आप ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन ए कहता है कि टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी कहता है कि टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर अराउंड द जॉब टू बी वेल्डेड, ऑप्शन बी भी सही है।
ऑप्शन सी कहता है कि टू ओविएट द नेसेसिटी फॉर यूजिंग फ्लक्स, ऑप्शन सी भी सही है, यानी कि यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आप ऑप्शन डी को मार्क करेंगे, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, ये कहता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चोक इन फ्लोरोसेंट लैम्प। फ्लोरोसेंट लैम्प में जो हम चोक यूज करते हैं उसका क्या फंक्शन है। फ्लोरोसेंट लैम्प के केस में जब आप इसके स्विच को ऑन करोगे तो उस टाइम पर चोक प्रोवाइड करता है हाई वोल्टेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ गैस इनसाइड द लैम्प, और इसी वजह से हम चोक को यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी को देखिए, ये कहता है कि प्रोड्यूस हाई वोल्टेज एट स्टार्टिंग, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट्स अप अ करंट इन विच डायरेक्शन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ कॉज प्रोड्यूसिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ट्रू। ऑप्शंस को आप रीड करिए, ऑप्शन ए कहता है कि अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन बी कहता है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी कहता है कि नो फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी कहता है कि अ फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिस्ट बिटवीन टू लाइक चार्जेस, ये स्टेटमेंट सही है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, ये कहता है कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ हाई वेलोसिटी, विच टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स अगेंस्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कीप्स द इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिट्स। यह एक ऑर्बिट है और यहाँ पर दिस इज न्यूक्लियस। इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इस पे दो तरह के फोर्स लगते हैं। एक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सपोज इसे हम मानते हैं F1। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F1 के अगेंस्ट एक फोर्स इस पे लगता है विच इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे हम F2 से लिख देते हैं, यानी कि F1 और F2 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूछता है कि अगेंस्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि इस F1 के अगेंस्ट एक फोर्स लगता है, उस फोर्स के बारे में बताइए। तो इसके अगेंस्ट जो फोर्स लगेगा विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि न्यूक्लियस की तरफ लगेगा, दिस फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम ऑप्शंस को रीड करते हैं, ऑप्शन ए में कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ हिस्टेरेसिस मोटर इज रिवर्स्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शिफ्ट शेडेड पोल विथ रिस्पेक्ट टू मेन पोल। यहाँ पर कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हिस्टेरेसिस मोटर के केस में शेडेड पोल कहाँ से आ गया, क्योंकि ये शेडेड पोल मोटर तो है नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हिस्टेरेसिस मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो दो तरह का होता है, एक हम स्प्लिट फेज टाइप डिजाइन करते हैं और दूसरा शेडेड पोल टाइप। और ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शंस को देखने से यही पता चलता है कि ये शेडेड पोल टाइप के हिस्टेरेसिस मोटर के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, ये कहता है कि हिस्टेरेसिस मोटर इज व्हाट। यहाँ पर आप ऑप्शंस को रीड करिए, ऑप्शन ए कहता है कि इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन बी कहता है कि हिस्टेरेसिस मोटर इज अ कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी कहता है कि हिस्टेरेसिस मोटर नीड्स डीसी एक्साइटेशन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और ऑप्शन डी कहता है कि हिस्टेरेसिस मोटर कैन नॉट बी रन इन रिवर्स स्पीड,
ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. सो फाइनली ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33. ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिस्टेरेसिस मोटर इज इनकरेक्ट. आप यहाँ पर गिवन चारों ऑप्शंस को रीड करिए. तो यहाँ से आप देखोगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34. ये कहता है कि इन रिपल्सन मोटर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर इज वॉट. यानी कि रिपल्सन मोटर में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किधर होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज सेम एज दैट ऑफ द ब्रश शिफ्ट. जिस डायरेक्शन में ब्रश शिफ्ट होगा उसी डायरेक्शन में रिपल्सन मोटर का रोटेशन होगा. ओके बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 35. ये कहता है कि ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट इज यूज टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस. यानी कि इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो हम ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हैं उससे हमें इनमें से कौन सा लॉस मिलता है, तो इसका आंसर होगा वेरिएबल लॉस, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36. ये कहता है कि इफ द एयर गैप इन एन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट. जब इंडक्शन मोटर का एयर गैप बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाएगा. मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ने की वजह से जो पावर फैक्टर एंगल होगा फाइ नॉट, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी एंड पावर फैक्टर यानी कि कॉस फाइ नॉट की वैल्यू घट जाएगी. सो यहां से आप ऑप्शन बी को देखिए, ये कहता है कि पावर फैक्टर विल डिक्रीज, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37. ये कहता है कि फॉर अ थ्री फेज फोर पोल 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पोल्स एंड लोड टॉर्क ऑल हाफ देन स्पीड विल बी वॉट. तो यहां से देखिए यदि नंबर ऑफ पोल्स हाफ हो जाए तो पी की वैल्यू हो जाएगी 2, और यदि फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाए तो एफ विल बी इक्वल टू 25 हर्ट्ज. इन दोनों वैल्यू की हेल्प से आप सिंक्रोनस स्पीड फाइंड आउट करेंगे. ns will be equal to 120 f upon p. जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे तो आपको आंसर आएगा 1500 rpm, और यही वो स्पीड है जिस पे सिंक्रोनस मोटर रन करेगी. तो आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38. ये कहता है कि सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस will deliver maximum power at which of the following delta. यहाँ पर salient pole synchronous generator के बारे में बात किया है, तो इस generator के केस में जो maximum power मिलता है हमें उस time torque angle delta की जो value होती है that will be around 70 degree. So option D is correct. लेकिन यदि यहाँ पर cylindrical type generator होता तो cylindrical type, लेकिन यदि यहाँ पर cylindrical pole सिंक्रोनस जनरेटर होता तो वैसे केस में डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे हमें मैक्सिमम पावर मिलता है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39. ये कहता है कि इन सिंक्रोनस मोटर मिनिमम आर्मेचर करंट अकर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग पावर फैक्टर. तो इसके लिए आप वी कर्व को याद करिए. वी कर्व लुक्स लाइक दिस. ये होता है मिनिमम करंट आई मिनिमम, और यहाँ पर जो एक्साइटेशन की वैल्यू होती है दैट इज ई नॉट विच इज नॉमिनल एक्साइटेशन, और इस केस में जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है दैट इज यूनिटी. यानी कि हम कह सकते हैं कि एट यूनिटी पावर फैक्टर द करंट ऑफ सिंक्रोनस मोटर विल बी मिनिमम. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यूनिटी पावर फैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40. ये कहता है कि हाई स्पीड अल्टरनेटर यूजुअली हैव विच टाइप ऑफ रोटर. तो इसका आंसर होगा सिलेंड्रिकल रोटर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41. ये कहता है कि वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर मे बी नेगेटिव वेयर. यानी कि अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव कब मिल सकता है, तो इसका आंसर होगा कि जब लोड का पावर फैक्टर लीडिंग हो
तो वैसे केस में आपको वोल्टेज रिवर्शन नेगेटिव मिल सकता है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। ये कहता है कि वी कर्व्स फॉर आइसोलेटेड थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर सो विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के वी कर्व के बारे में बात किया है, तो दिस इज वी कर्व। ये ड्रॉ किया जाता है बिटवीन आर्मेचर करंट एंड एक्साइटेशन। यहाँ पर आप एक्साइटेशन भी लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पे फील्ड करंट भी लिख सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन डी में कहता है कि द वेरिएशन ऑफ आर्मेचर करंट विथ फील्ड एक्साइटेशन एट कॉन्स्टेंट मैकेनिकल पावर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। ये कहता है कि द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर हैविंग कॉपर लॉस 1% ऑफ आउटपुट एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप ऑफ 5% एंड द पावर फैक्टर इज 0.9 लैगिंग। यहाँ पर लैगिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन में वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू आर पर यूनिट इंटू कॉस फाई प्लस एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाई। यहाँ पर प्लस इसलिए यूज किए हैं क्योंकि पावर फैक्टर लैगिंग है। यदि ये लीडिंग होता तो यहाँ पे हम माइनस यूज करते। ओके, यहाँ पर आर पर यूनिट की जगह पे आप 1% लिखोगे क्योंकि कॉपर लॉस गिवन है 1%। यहाँ पर पावर फैक्टर की वैल्यू लिखोगे 0.9। एक्स पर यूनिट की जगह पे आप लिखोगे 5% क्योंकि रिएक्टेंस ड्रॉप गिवन है 5%। और यहाँ पर आप साइन फाई की वैल्यू पुट करोगे तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू मिल जाएगी 3.08%। तो आप कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। ये कहता है कि द लोड कैरिड बाय वीवी कनेक्शन इज व्हाट। तो इन केस ऑफ वीवी कनेक्शन, ट्रांसफॉर्मर जो लोड कैरी करता है दैट विल बी इक्वल टू 1/√3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लोड। यानी कि आप परसेंटेज में इसको लिख सकते हैं 57.7% ऑफ द ओरिजिनल लोड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पियर टर्न रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ गिवन वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन एयर गैप विल बी मच ग्रेटर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर आयरन पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट बिकॉज एयर गैप में परमिएबिलिटी के कम होने की वजह से रिलक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है और इसीलिए इट नीड्स मोर एम्पियर टर्न टू एस्टेब्लिश अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन एयर गैप। सो आप यहाँ से ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन सी में देखिए, ये कहता है कि एयर हैज द लोएस्ट रिलेटिव परमिएबिलिटी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। डीसी मशीन का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि सीरीज मोटर हैज एन आर्मेचर रेसिस्टेंस ऑफ 0.06 ओम एंड सीरीज फील्ड रेसिस्टेंस ऑफ 0.08 ओम। द मोटर इज कनेक्टेड टू अ 400 वोल्ट सप्लाई। द लाइन करंट इज 20 एम्पीयर व्हेन द स्पीड ऑफ मशीन इज 1100 आरपीएम। व्हेन द लाइन करंट इज 50 एम्पीयर एंड द एक्साइटेशन इज इंक्रीज बाय 30% देन द स्पीड ऑफ मशीन इन आरपीएम विल बी व्हाट। यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आपको जो स्पीड की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 837 आरपीएम, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। यदि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे डीसी मशीन के पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। ये कहता है कि द लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आप यहाँ पे चारों ऑप्शंस को रीड करिए। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर दो लिस्ट गिवन है। लिस्ट वन में मशीन है और लिस्ट टू में कुछ ग्राफ गिवन है और आप इसे मैच कराएंगे लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि ए को डीसी मोटर को आप स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक से लिंक करेंगे, डीसी जनरेटर को आप ओपन सर्क्यूट
कैरेक्टरिस्टिक से लिंक करेंगे, अल्टरनेटर को आप वी कर्व से लिंक करेंगे और इंडक्शन मोटर को आप सर्कल डायग्राम से लिंक करेंगे। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 ये कहता है कि टेस्ला इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहां पर टेस्ला होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये कहता है कि अ फोर बैंड कार्बन टाइप रेसिस्टर हैज रेसिस्टेंस ऑफ 100 ओम प्लस माइनस 2%, देन द कलर कोडिंग विल बी व्हाट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन एंड रेड। कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टर से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बहुत जल्द ही हम क्विक रिवीजन का Part-2 लेके आ रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए। लेकिन यदि आपको यह वीडियो अच्छा ना लगे तो आप हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि इस वीडियो में किस तरह की कमी रह गई, ताकि मैं उसे सुधार सकूं और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ला सकूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।